विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बस्तर पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया। स्थानीय पुलिस लाइन से निकाली गई यह फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए महारानी अस्पताल चौक, चांदनी चौक से शहीद पार्क होते हुए पुनः पुलिस लाइन पहुंची। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस बल, महिला सशस्त्र बल, जिला आरक्षित बल सहित पुलिस के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कतार में एंटी लैंडमाइन व्हीकल एवं अग्निशमन दल का वाहन भी रहा। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। इसी क्रम में आगामी कुछ दिनों में पुलिस के जवान वाहनों में सवार होकर ग्रामीण अंचलों और शहर के बाहरी मार्गों में भी फ्लैग मार्च निकालेंगे। मतदान करने के संबंध में और जो असामाजिक तत्व है उनको नियंत्रण करने के संबंध में जो है ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। किस किस मार्ग से फ्लैग मार्च निकला है और क्या कितने की संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है? करीब 150 की संख्या में हमारा पुलिस बल तैनात है और इसके अतिरिक्त हमारा वाहनों का अलग से अमला तैनात है। इसके अतिरिक्त शहर से हमने पुलिस लाइन से होते हुए गोल बाजार, सिंहासा चौक, संजय बाजार, गुरु गोविंद सिंह चौक होते हुए, कलेक्ट्रेट होते हुए शहीद पार्क से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। मतदान करने के संबंध में और जो असामाजिक तत्व है उनको नियंत्रण करने के संबंध में जो है ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। किस किस मार्ग से फ्लैग मार्च निकला है और क्या कितने की संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है? करीब 150 की संख्या में हमारा पुलिस बल तैनात है और इसके अतिरिक्त हमारा वाहनों का अलग से अमला तैनात है। इसके अतिरिक्त शहर से हमने पुलिस लाइन से होते हुए गोल बाजार, सिंहासा चौक, संजय बाजार, गुरु गोविंद सिंह चौक होते हुए, कलेक्ट्रेट होते हुए शहीद पार्क से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है।